हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे किरचॉफ्स ला पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोग को किरचॉफ का दोनों नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे, ये टॉपिक हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर देता है हमेशा प्यारे। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, ये न्यूमेरिकल में कम से कम 6-7 नंबर लेके भैया टपकता है, ठीक है। 6-7 नंबर का न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। तो इसलिए मैंने इतने अच्छे तरीके से एकदम बहुत ही एकदम इतना एक्सप्लेन करके मैंने इसका थ्योरी पार्ट कराया था आप लोग को, कि बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका थ्योरी पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 फिजिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस वाले पार्ट में केवल किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे, और इस तरीके से बताऊँगा कि यूँ देखते ही आप आंसर बताओगे आज के बाद। और आज इसके बाद में जो वीडियो मिलेगा आपको उसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल रहेंगे, और जहाँ से इतने गजब गजब के न्यूमेरिकल आते हैं कि क्या बताऊँ। और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऐसा ही टॉपिक है ये घुमावदार, ठीक है। तो भैया मज़ा बहुत आए, तो पापक परियों और मम्मी के मगर मच्छों आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं कहानी अपनी। आपका ध्यान किधर है, मोहित सर इधर हैं। चलो देखिए, दिए गए चित्र में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है, ये दो क्वेश्चन मैंने उठाया है, और इन्हीं दोनों से प्रथम नियम पर चाहे जैसे क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत बर्बाद कर दोगे देखते ही। तो भैया लौटे आओ, चलो शुरू करी थे कहानी अपन। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर ये संधि, इसको संधि बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था प्रथम नियम में, आपको ये बताया था कि किसी भी संधि पर जितनी धारा आती है उतनी ही धारा जाती है, बस इसी एक लाइन से हमेशा फर्स्ट नियम पर जो आधारित न्यूमेरिकल रहेंगे सब हो जाएंगे। करना क्या रहेगा, आप हमेशा जितनी धाराएँ आती दिखेंगी संधि पर, जहाँ पर संधि मतलब जहाँ पर सभी धाराएँ मिलती आकर एक जगह पर मिलती हैं ना, ठीक है। तो जितनी धाराएं एक बिंदु पर एक संधि पर आ रही हैं उनको एक तरफ रखना, इक्वल बराबर का चिन्ह लगाना, और उस तरफ बराबर के दूसरी तरफ जितनी धाराएं जा रही हैं उनको लिख देना। तुरंत केवल आपको पक्षांतर करना है, यूं सेकेंडों भैया आंसर आइजे, तुरंत बर्बाद हो जाए क्वेश्चन। तो चलो भैया शुरू करी थे कहानी। तो देखो शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, इसमें अगर देखा जाए तो I1 आ रही है ना, तो I1 को ऐसे लिख, केवल I लिखा है ना, चलो I, और प्लस अब और कोई धारा आ रही है, हाँ एक ये 10 एम्पियर की आ रही है तो आप लिख दो 10, ठीक है। और कोई धारा आ रही है, नहीं सर और तो कोई नहीं आ रही है, और तो सब जा रही हैं, तो ठीक है इक्वल का साइन लगा दिया। देखो ये एरो इस तरफ है ना, इसका मतलब ये धारा जा रही है, और ये वाला एरो इस तरफ है मतलब ये भी धारा आ रही है ऐसे, और ये 4 एम्पियर 6 एम्पियर और 3 एम्पियर ये तीनों देखो बाहर निकल रही हैं, इनका एरो इस तरफ है, मुंह जिधर देखो नुकीला रहेगा, जिधर नुकीला रहेगा उसका मतलब निकल रही है वहाँ से, ठीक है। कौन कौन निकल रहा है उसको एक तरफ लिख दो, एक ये 3 एम्पियर की तो 3 प्लस, एक ये 6 एम्पियर की निकल रही है तो 6 प्लस, और एक ये 4 एम्पियर वाली, ठीक है। बस जो धाराएं आ रही थी उसको हमने एक तरफ लिख लिया, जो धाराएं जा रही हैं उनको एक तरफ लिख लिया, बस पक्षांतर कर लो आपके हाथों में आंसर होगा। I प्लस 10 इक्वल टू 6 4 10 3 13, और भैया हमार 10 को इधर भेज दो तो 13 माइनस 10, और I इक्वल टू 13 में 10 गए भैया 3 एम्पियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये है भैया आपके प्यारा सा उत्तर, मज़ा आवा कि ना आवा बतायो, कुछ नहीं किया, जितनी धाराएं आ रही थी उनको एक तरफ, जितनी धाराएं जा रही थी संधि से उनको एक तरफ, और पक्षांतर कर दिया, जोड़ घटा दिया, आंसर आ गया बस। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, लेकिन अब होगी नहीं, बस 2 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए प्यारे। देखिए इसका देखो, अच्छा नामकरण कर दे संधि का, मान लो ये आपका ए है, ये आपका यहाँ पर मान लो ये संधि आपकी बी है, और ये आपकी संधि इसका नामकरण कर दो सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या सिस्टम,
ये 4 एम्पियर की धारा ये ए संधि पर आ रही है, ये 4 एम्पियर की आ रही है और यहाँ से ये 2 एम्पियर की जा रही है। तो कुछ धाराएं ए से बी, आपका जो ये वाला है ए से बी, ठीक है, ए से बी जो सिरा है इसमें भी तो कुछ धारा जाएगी। कितनी जाएगी नहीं पता सर, तो नहीं पता, तो मान लो कि वो धारा आपकी इसमें जो जा रही है वो आई वन है। कितनी है प्यारे, आई वन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम भैया संधि ए पर, संधि ए पर, संधि ए पर देखो भैया कहानी क्या है, वही नियम किरचॉफ का प्रथम नियम, जितनी धाराएं आ रही हैं संधि ए पर उसको एक तरफ, जितनी जा रही हैं उसको बराबर के दूसरे तरफ। तो देखो कौन कौन आ रहा है, एक ये 4 एम्पियर की आ रही है तो 4 और प्लस ये, एक ये 4 एम्पियर की आ रही है तो प्लस 4 और ये 2 एम्पियर की जा रही है तो बराबर लगा दो, दूसरी तरफ 2 लिख दो। और एक ये आई वन ये भी जा रही है, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता कि कितनी जा रही है इसलिए हमने इसको आई वन कह दिया, ठीक है। अब हमें आई वन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी खटाक से बच्चा, 4 4 8 कितना हो गया 8 और ये 2 को इधर ले आओ तो माइनस 2 और इधर ये आई वन, ठीक है। तो आई वन को आप चाहे इधर लिख लो चाहे उधर, कोनो दिक्कत ना होए बच्चा। तो 8 में जब 2 जाएगा तो बचेगा 6 और 6 एम्पियर। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ से ये जो आई वन निकल रही है मतलब कि ये यहाँ पर 6 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है। तो हम इसको रेड कलर से लिख दे रहे हैं कि 6 एम्पियर की धारा जा रही है। अब देखो, अब हम यहाँ पर संधि बी पर बात करेंगे, किस संधि पर, संधि बी पर। तो यहाँ लिख दो संधि, संधि बी पर। अब बी संधि पर देखो क्या होगा, एक तो ये 6 एम्पियर की धारा आ रही है यहाँ पे तो लिख दो 6 और एक ये 2 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है और कुछ धारा ये बी सी इस वाले सिरे में भी जाएगी। कितनी जाएगी नहीं पता, तो इसको दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं हम कि यहाँ पर मान लो कि ये आई टू धारा जा रही है। कितनी जा रही है प्यारे, आई टू धारा जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे केवल एक ही धारा आ रही थी और दोनों जा रही हैं, तो जो जा रही हैं उनको बराबर के दूसरे तरफ लिख दो, 2 और प्लस में आई टू, ठीक है। तो I2 की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर भेज दो, तो I2 2 जब इधर जाएगा तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 4 और ये 4 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे कैलकुलेशन में, I2 की वैल्यू हमें चाहिए थी, हमने 2 को दूसरी तरफ भेज दिया तो इधर प्लस में था 2, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 6 ये 4 आ गया, ठीक है। अब देखो मतलब कि यहाँ पर हमें नहीं पता था अभी तक कि कितनी एम्पियर की धारा जा रही है बी सी वाले सिरे में, तो हमने कह दिया था कि I2 धारा जा रही है। अब I2 का हमने मान निकाल लिया किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो मतलब अब हमें यहाँ पर यह भी पता हो गया क्या कि यहाँ पर प्यारे 4 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है। अब हमें फाइनली क्या हमें करना है, क्या इस पूरे क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, हमें I का मान निकालना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था दिए गए चित्र में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करें, हमें ये I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कहानी शुरू की, अब पहुँच गए हैं अपने फाइनल भैया मंजिल पर, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं आगे होगा क्या। अब देखो, अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, संधि, संधि सी पर। अब संधि सी पर देखो प्यारे, संधि सी पर अगर देखा जाए तो ये I2 धारा आ रही है इस पर, ठीक है। तो आने वाली को एक तरफ, जाने वाली को दूसरे तरफ, तो I2 आ रही है लेकिन I2 का तो मान भी हमें पता चल गया 4 एम्पियर की धारा है, तो 4 लिख दो। और कोई आ रहा है नहीं सर, और तो सब जा रही हैं, देखो एरो सबका, देखो नोक टोट जो है सबका बाहर की तरफ है, तो और सब जा रही हैं तो सबको दूसरी तरफ लिखो। कौन कौन है, 1 एम्पियर की और एक ये 2 एम्पियर की, तो प्लस 2 और प्लस में आई वन भी जा रही है, नहीं आई वन नहीं केवल आई, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लो, 4 बराबर 2 और 1 3 और प्लस में आई, ठीक। अब ये आई की वैल्यू हमें चाहिए तो 3 को भैया इधर भेज दो, तो 4 माइनस 3 और ये आई, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बराबर आई या आई बराबर 1 एम्पियर। हमें क्या करना था, हमें आई की वैल्यू निकालनी थी, आई की वैल्यू आ गई, कोनो दिक्कत तो ना आए बच्चा हमारा बालक, कोई दिक्कत कमेंट करके बताना अगर कोई दिक्कत होगी। तो इस तरीके से दोनों न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हुए। मैं साइड हो रहा हूँ, अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे, ले लिया। तो चलिए, तो मेरे चांस सिखा रहा हूँ
जिगर के छल्लों। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का सफ़र हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे, और वो क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं, बहुत परेशान करता है वो, कहे सर्किट वर्किट थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से बताऊंगा कि सारी समस्याएं आपकी हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाए, ठीक है। और मज़ा तो भैया इतना आवे वाला है कि पूछो मत। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।